हरियाणा के जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे आप तो हिमाचल प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार आ गई, उन्होंने भी इसको लागू करने का ऐलान कर दिया। पंजाब वाले भी कर चुके हैं, हरियाणा में क्या आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? ऐसे कि ओपीएस को जो विड्रॉ किया गया था 2004-2005 के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2004 में इसमें एनपीएस को लाके और ओपीएस को ख़त्म किया गया था, और एक साल बाद उसी को फॉलो करते हुए हरियाणा ने किया। ये एक विद द पैसेज ऑफ टाइम एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आया है कि ओपीएस इज बेटर फॉर द एम्प्लॉइज। इट्स ए सोशल सिक्योरिटी ऑल्सो। जो बंदा रिटायर होता है उसके बाद बिल्कुल खाली हाथ हो कुछ है, और एनपीएस के अंदर ये दे हैव पुट ए प्रोसीजर कि 20% स्टेट गवर्नमेंट देगी, उसको फिर मार्केट में उसको फ्लोट किया जाएगा पैसे को, ये कुछ है। दिस इज़ वाई टू डू सच एक्सपेरिमेंट्स अदर ऑल्सो, ऑल दो इट्स ए बर्डन ऑफ द स्टेट, बट वी आर टू टेक केयर ऑफ द एम्प्लॉइज। एक व्यक्ति जब रिटायर होता है तो बाकी जीवन वो कम से कम उसकी उसको किसी के आगे हाथ ना जोड़ने पड़े, ये भी एक बात करें। ये बिल्कुल आ गया है, कोई बात नहीं, सरकार एम्प्लॉइज है, हमारे एम्प्लॉइज हैं, उनको क्यों ना बेनिफिट दिया जाए उस बात के लिए, तो ये लागू होने चाहिए। इसमें सर डिप्टी सीएम कह रहे हैं हरियाणा के कि एनपीएस में और यूपीएस ओपीएस में ज़्यादा फर्क नहीं है, 4% का फर्क है बस। इट इज इज कम्प्लीटली रॉन्ग कैलकुलेशन। आई कैन सिट अक्रॉस द टेबल विद हिम एंड सी, इसके अंदर इतना होता है सर के मैं आपको बताऊँ कि जो एम्प्लॉइज हैं उनकी अगर कैलकुलेशन पर जब आती है तो किसी की भी 3-4 हज़ार रुपये से ज़्यादा पेंशन नहीं आती है। तो ये कहते कौन से फार्मूले से, जो अब तो सीधी बात है कि बेसिक का 50% मिलता है, एक बड़ा बहुत बड़ा एक रिलीफ है, और ये रिलीफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर भी, जिस स्टेट ने आपकी, जिस एम्प्लॉय ने आपकी स्टेट को 25-30 साल सर्व किया और उसके बाद वो कटोरा तो मैं नहीं कहूँगा इस बात के लिए, पर उसके बाद भी वो अपने आप को रिटायरमेंट के बाद इनसिक्योर महसूस करें, दिस इज़ नॉट करेक्ट। और इसी वजह से सभी स्टेटें कर रही हैं, और आप देख रहे हैं अल्टीमेटली दिस बीजेपी विल आल्सो कम टू सफर इन स्टेट ओपीएस करेगी। हरियाणा में सर कांग्रेस के इसको लेके कोई बिल्कुल नहीं या कुछ कर सकती है? इसमें है कि इट इज़ वन ऑफ आवर एजेंडा, ये हमारी मैनिफेस्टो में आएगा, हम इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, और ईश्वर ने चाहा, सरकार आई तो सबसे पहला स्टेप जैसे हिमाचल ने किया, हरियाणा भी ओपीएस को लागू करें। ठीक है सर।